हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीके एवरीथिंग चैनल और मैं हूं आपके साथ कीर्ति। दोस्तों, आपने लौकी के नमकीन पकोड़े तो खाए ही होंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं लौकी के कुरकुरे मीठे पकोड़े की रेसिपी। तो आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए मैं ले रही हूँ एक प्लेट लौकी, जिसको मैंने कद्दूकस करके रखा है। दो कटोरी मैंने गेहूँ का आटा लिया है। शुगर लिया है मैंने 5 बड़े चम्मच और 2 बड़े चम्मच फूड कलर लिया है। इसको मैंने पानी में घोल के रखा है फूड कलर को। इसकी जगह आप केसर भी ले सकते हैं दूध में घोलकर। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने तेल चढ़ा दिया है फ्राई करने के लिए। इसमें आप घी भी ले सकते हैं। चलिए अब तक बैटर तैयार करते हैं। गेहूं के आटे में हम ऐड करेंगे लौकी, जिसे ग्रेट करके रखा हुआ है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आटे के साथ, साथ ही शुगर भी ऐड कर देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम बैटर तैयार करेंगे इसका। ये देखिए, बैटर तैयार कर लिया है मैंने। इसमें आप किसा हुआ नारियल और ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ फूड कलर। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इससे पकोड़े का कलर बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, फूड कलर मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इन्हें फ्राई करते हैं पकोड़े को। तेल गर्म हो गया है और इसमें छोटे छोटे पकोड़े हम फ्राई कर लेंगे। जिस तरह से कोफ्ते फ्राई करते हैं, सेम वैसे ही इसे फ्राई करना है। हाई फ्लेम में ही फ्राई करेंगे। ये देखिए, पकोड़े एक तरफ से सिक गए हैं। अब इन्हें पलट कर हम दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। ये देखिए, पकोड़े अच्छे से डीप फ्राई हो गए हैं। इन्हें हम निकाल लेंगे प्लेट में। तो लीजिए फ्रेंड्स, लौकी के मीठे क्रिस्पी पकोड़े बनकर तैयार हैं। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। और यदि आपने मेरे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन को क्लिक करें, वहां आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। तो अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।